हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है सेल डिवीजन। सेल डिवीजन कैसे होता है, क्या क्या टाइप्स हैं, उसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं सेल डिवीजन। हाउ डू सेल डिवाइड, सेल कैसे डिवाइड करती हैं। देर आर द टू टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन, वन इज द माइटोसिस एंड सेकेंड वन इज द मियोसिस। मोस्ट ऑफ टाइम वेन पीपल रेफर्स टू द सेल डिवीजन, दे means mitosis, the process of making new body cells. जब भी हम cell division की बात करते हैं तो हमेशा क्या है, two types of cell division होता है, one is the mitosis and one is the meiosis. लेकिन most commonly जब हम बात एक wordings जो बात दिमाग में आती है cell division के लिए, तो हम mitosis को consider करते हैं, जिसमें हम जिस process के through हमारी body नई cells की formation करती है। जो meiosis का division हो रहा होता है वो division एग्स के अंदर होता है, या फिर हम ये बताएं कि जर्मिनेटिव सेल्स जो होती हैं उनके अंदर होता है, जहां पर हमारे गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, चाहे वो एग सेल की फॉर्मेशन हो रही है, चाहे वो स्पर्म सेल की फॉर्मेशन हो रही है, वहां पर मियोसिस का डिवीजन होता है। माइटोसिस इज अ फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ द लाइफ। लाइफ के अंदर माइटोसिस का एक की जो डिवीजन है वो मेनली होती है। During mitosis, a cell duplicate all its content, including its chromosome, and split to form the two identical daughter cells. Mitosis के अंदर होता क्या है कि जो पूरा content होता है cell के अंदर, पहले उसका duplication होगा, उसके अंदर cytoplasma का भी duplication होता है, chromosome का भी duplication, nucleus का भी duplication होता है, और बाद में वो cells two identical daughter cells के अंदर split out हो जाती है। That is known as the mitosis. Because this process is so critical, the steps of mitosis are carefully controlled by certain genes. ये process बहुत जरूरी भी होता है, लंबा process होता है, बहुत critical होता है। कोई change हो अगर हो जाता है उस durations के अंदर, तो cell के अंदर apoptosis भी हो सकती है, या फिर जो organism है उसके अंदर कोई disease भी हो सकती है। तो वो बहुत controls में manner में चलता है, उसको genes control करते हैं, या फिर बहुत सारे checkpoints होते हैं जो उसको control करके रखते हैं। When mitosis is not regulated correctly, health problems such as the cancer can result. हो सकता है कि अगर वो cells के अंदर कोई change ऐसा हो जाए, उसको अच्छे से regulated way में वो division complete अगर नहीं होती है, तो health problem create हो सकती है, उनमें cancer भी हो सकता है, जिसके अंदर cell का multiple division रुकता ही नहीं है, उनको हम उन cells के इसे फिर क्या है, cancer की formation start हो जाती है। जो अगर हम दूसरी सेल की डिवीजन की बात करते हैं, दैट इज द मियोसिस, इंश्योर दैट ह्यूमन हैव द सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन ईच जनरेशन। हमारी जनरेशन के अंदर क्रोमोसोम नंबर को मेंटेन करने का काम जो है, जो वो मियोसिस के थ्रू होता है। इसके अंदर होता क्या है, टू स्टेप का प्रोसेस होता है, जिसके अंदर रिडक्शन ऑफ क्रोमोसोम चलता है, हाफ हो जाता है नंबर 46 टू द 23 इन द ह्यूमन बींग्स टू फॉर्म द स्पर्म और एग सेल। जो हमारी बॉडी के अंदर एग सेल और स्पर्म सेल्स होती हैं, उनके अंदर 23 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है, और जो हमारी नॉर्मल सेल्स होती हैं उनके अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होता है। फिर क्या होता है कि जब स्पर्म सेल्स और एग सेल्स आपस में कंसेप्शन के ड्यूरिंग से यूनाइट करेंगी, रिप्रोडक्शन के ड्यूरेशन में जब दोनों एग सेल और स्पर्म सेल्स मीट करती हैं, तो 23 दोनों की तरह हर एक से 23 आएगा और 46 क्या उनका कंप्लीट हो जाता है। जो फिर एग सेल और स्पर्म सेल्स मिलने के बाद जब जायगोट की फॉर्मेशन होती है, तो उसके अंदर फिर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम मेंटेन हो जाता है, कि हमारे 23 जो होते हैं वो एग सेल से आएंगे और 23 क्या है फिर स्पर्म सेल से आते हैं, दोनों का फ्यूजन होता है, और फिर से क्या है वो जायगोट के अंदर 46 नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैं जो वो कंप्लीट हो जाते हैं, जिससे जो स्पीसीज है उसकी आइडेंटिटी मेंटेन होती है, जस्ट बिकॉज ऑफ द मियोसिस। मियोसिस आल्सो अलाउ जेनेटिक वेरिएशंस थ्रू ए प्रोसेस ऑफ जीन सप्लिंग व्हाइल द सेल आर डिवाइडिंग। जो जेनेटिक वेरिएशंस आगे की तरफ से आ रही हैं, और इस ड्यूरेशन में जो जेनेटिक वेरिएशंस फॉर्मेशन होती है सेक्सुअल प्रोडक्शन के ड्यूरेशंस में, तो उन जेनेटिक वेरिएशंस को कंप्लीट करवाने का और उनको मेंटेन करने का और उनको वहां पर जेनेटिक वेरिएशंस को प्रोडक्शंस करने में क्या हेल्प करता है, मियोसिस। मियोसिस में एक प्रोसेस होता है क्रॉसिंग ओवर, और उस क्रॉसिंग ओवर में क्या होती है, न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ जीन्स अपीयर होते हैं, और जिसके थ्रू ये जेनेटिक वेरिएशंस हैं जो वो अराइज होती हैं।
तो ये हम मियोसिस पढ़ेंगे अगली वीडियो के अंदर, और इस वीडियो के अंदर हम आपको माइटोसिस कंप्लीट करवाएंगे। तो माइटोसिस के अंदर क्या होता है कि पेरेंट सेल सेल डिवाइड करती है, सब कुछ डुप्लीकेशन होता, क्रोमोसोम साइटोप्लाज्म सेंट्रियोल सेल के ऑर्गेनेल्स सभी डुप्लीकेट करते हैं, और ये नंबर है जो वो ये हमारे जो सेल्स होती है उसके अंदर डुप्लीकेट हो जाता है, और बाद में जो सेल्स जो है विद साइटोप्लाज्म डिवाइड कर जाती है, और दोनों के पास आइडेंटिकल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं। या माइटोसिस के अंदर एक सेल से दो सेल की फॉर्मेशन होती है। अगर हम बात करते हैं मियोसिस सेल के अंदर, वही सेल का डुप्लीकेशन होगा, और एक बार एक स्टेज के अंदर एक सेल से दो सेल की फॉर्मेशन होगी, इसके अंदर हमारा क्या होता है नंबर हाफ हो जाता है, और आगे फिर क्या होगी एक सेल से फिर दो सेल की फॉर्मेशन होगी। तो अगर हम पेरेंट सेल को कंसीडर करते हैं तो वन सेल से हमारी फोर सेल की फॉर्मेशन होती है इन द केस ऑफ द मियोसिस, और नंबर क्या है इन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है, फोर डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन होती है इन द मियोसिस कंडीशंस। अब हम बात करते हैं माइटोसिस की। व्हाट इज द माइटोसिस? माइटोसिस इज ए मेथड ऑफ सेल डिवीजन वेयर द मदर सेल्स डिवाइड टू प्रोड्यूस टू जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स। ये हमने अभी बताया है कि माइटोसिस के अंदर पेरेंट सेल से टू आइडेंटिकल डॉटर सेल्स का प्रोडक्शन होता है। इट इज सिमिलर इन द बोथ प्लांट एंड द एनिमल्स। माइटोसिस का केस प्लांट और एनिमल दोनों में एक जैसा होता है। लोअर एनिमल्स जैसे अमीबा है, उसके अंदर माइटोसिस इज ए मीन ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द सेक्सेस और द गैमेट्स। उसके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है अमीबा के अंदर क्या होता है कि एक सेल से दो सेल का टूटने का मतलब होता है कि वो रिप्रोड्यूस कर रहा है, और वो भी किस मैनर से एसेक्सुअल मैनर से, क्योंकि अमीबा होता ही एक सेल का है, और एक सेल से जब दो सेल डिवाइड कर जाएंगे तो दो अलग अलग अमीबा की फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू वो एसेक्सुअल रिप्रोड्यूस करता है और अपना नंबर है जो वो इंक्रीज करता है। टर्म माइटोसिस है जो वो वाल्डर फ्लेमिंग्स ने 1882 के अंदर दी थी। माइटोस का मतलब होता है रैप थ्रेड, और ये दिया किसने था, फ्लेमिंग ने टर्म दी थी इन्होंने, माइटोसिस को डिस्कवर नहीं किया था, माइटोसिस की टर्म दी थी। ये डिफरेंस होता है अलग अलग चीजों के अंदर कि माइटोसिस को डिस्कवर किसने किया था दैट इज डिफरेंट थिंग, और टर्म किसने दी थी दैट इज डिफरेंट थिंग। माइटोसिस कहाँ देखने को मिलती है? जैसे हम हीलिंग ऑफ वॉन्ड्स, जो हमें घाव लग जाते हैं बाद में फिर वो भर जाते हैं, किसके वजह से होते हैं वो माइटोसिस के वजह से। डैमेज सेल्स का रिप्लेसमेंट होती है और उनकी रिपेयरिंग होती है और न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है ओनली जस्ट बिकॉज ऑफ द माइटोसिस। वेयर डज माइटोसिस ऑकर? होती कहाँ पर है माइटोसिस? मोस्ट ऑफ हर एक सेल के अंदर माइटोसिस होती है, जस्ट एज स्किन बोन ब्लड स्ट्रक्चरल सेल्स, सिर्फ और सिर्फ जर्म सेल्स को छोड़कर। जर्म सेल्स के अंदर मियोसिस होती है, जो जर्म सेल्स होती हैं वहां पर मियोसिस के थ्रू हमारी बॉडी के गैमेट्स की फॉर्मेशन होती है, और वहां पर ही सिर्फ माइटोसिस नहीं होती। जो माइटोसिस होती है वो बहुत अलग अलग टाइमिंग में कंप्लीट होती है। मोस्ट ऑफ सेल्स के अंदर माइटोसिस जो होती है वन और वन एंड हाफ आवर के अंदर या फिर टू आवर्स के अंदर कंप्लीट हो जाती है। इसमें अलग अलग टाइमिंग होती है, सेल्स कैसी हो उसके ऊपर डिपेंड करता है कहाँ पर माइटोसिस हो रही होती है। अब बात करते हैं हम माइटोसिस की। माइटोसिस के अंदर इंटरफेज आता है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस। दो फेजेस में अगर हम साइटोकाइनेसिस के थ्रू लेते हैं तो दो फेज होती है, कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस में न्यूक्लियस का डुप्लीकेशन होकर फ्यूजन डिफरेंस होता है, डिवीजन होता है, और साइटोकाइनेसिस में साइटोप्लाज्मा का डिवीजन होता है। इंटरफेज के अंदर हमारी सेल्स जो होती हैं वो ग्रोथ करती हैं, उसके बाद माइटोटिक फेज स्टार्ट हो जाती है जिसमें प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज और साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होती है, तब जाकर दो डॉटर सेल्स के अंदर एक पेरेंट सेल डिवाइड करती है। आगे हम देखते हैं स्टेज ऑफ द माइटोसिस। एक स्टेज इंटरफेज होती है, सेकेंड स्टेज माइटोटिक फेज होती है। इंटरफेज के अंदर हमारी G1 फेज या G0 फेज, S फेज और G2 फेज होती है। मेनली सेल्स के अंदर G1, S और G2 फेज और माइटोटिक फेज की कंसीडर की जाती है। G0 फेज भी सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, उसे वो हम अलग से पढ़ेंगे, जिसको हम गैप 0 बोलते हैं। G1 को हम गैप 1 बोलते हैं। S फेज को हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, जहां पर DNA का सिंथेसिस होता है। G2 फेज को हम गैप 2 फेज बोलते हैं, और M फेज को हम माइटोसिस फेज बोलते हैं।
और माइटोसिस फेज के अंदर ही हमारे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टीलोफेज होता है और वहीं पर क्या है, साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है। तो हम इसमें वन बाय वन देखते हैं स्टेजेस के अंदर। ये देखो माइटोसिस के अंदर यहाँ पर क्या है, इंटरफेज है, ये दिखाया गया है कि मैटरनल क्रोमोसोम्स हैं ये और ये पैटर्नल क्रोमोसोम्स हैं ग्रीन कलर में, नंबर इनका डुप्लीकेट होता है। माइटोफेज के अंदर ये मेटाफेजिक प्लेट के ऊपर आते हैं, एनाफेज में ये कॉर्नर्स पे चले जाते हैं, पोल्स पे चले जाते हैं, जिसको हम अलग अलग पोल्स के थ्रू, जो हमारे ये एस्ट्रल रेजेस होती हैं इनके थ्रू क्या है, इनको पोल्स पे जो सेल्स होती हैं वो ले आती हैं और फिर साइटोकाइनेसिस के थ्रू दो अलग अलग आइडेंटिकल सेल्स क्या है, फॉर्मेशन हो जाती है। अब बात करते हैं हम इनके स्टेजेस की। फर्स्ट वन इज द इंटरफेज। इंटरफेज अकर प्रायर टू द बिगिनिंग ऑफ द माइटोसिस एंड एनकंपासेस वर्सेस कॉल्ड स्टेज G1 फर्स्ट स्टेज जिसको हम बोलते हैं, स्टेज S जिसको हम सिंथेसिस फेज बोलते हैं, स्टेज G2 दैट वन इज द सेकंड गैप फेज। इंटरफेज के अंदर हमारी तीन फेजेज होते हैं, G1, S और G2। G1 को हम गैप 1, S को सिंथेसिस फेज, G2 को गैप 2 फेज बोलते हैं। ये प्रिपेटरी ग्रोथ फेज होती है जहां पर DNA का डुप्लीकेशन होता है, उसकी कॉपीज बनती हैं। मोस्ट एक्टिव फेज होती है सेल की, क्योंकि यहाँ इस ड्यूरेशन के अंदर सारी चीजों का सिंथेसिस हो रहा है और ये इसके तीनों स्टेजेस सिक्वेंसली वे में आती हैं। पहले G1 आएगी, उसके बाद S फेज आएगी, आफ्टर दैट G2 फेज कम्स। जी नोट फेज ने बात की थी कि जी नोट फेज सेल होती है या नहीं होती है, ये हम देखते हैं। जी नोट फेज इज ए कंप्लीट सेपरेट फेज जिसको हम माइटोसिस में कंसीडर नहीं करते हैं और जंक्शन ऑफ द सेल डिवीजन, ये एक सेपरेट फेज है, माइटोसिस में भी नहीं कंसीडर की जाती और मियोसिस में भी नहीं। जी नोट फेज इज अ डिफरेंट फेज जिसको हम मोस्ट पढ़ते हैं तो माइटोसिस के अंदर पढ़ते हैं इसको। इट इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन सेल साइकिल ऑफ द सेल डिवीजन, इसमें प्रेजेंट नहीं होती है। इट डजंट प्ले एनी रोल इन द सेल सेपरेशन प्रोसेस इन द सेल साइकिल, सेल के सेपरेशन के अंदर या सेल डिवीजन के अंदर ये कोई भी रोल प्ले नहीं करती है। डजंट प्रिपेयर द सेल फॉर डिवीजन, और सेल को डिवीजन के लिए प्रिपेयर भी नहीं करती है और डिवीजन में हेल्प भी नहीं करती है। इट्स ओनली ड्यूटी इज टू रिसीव दोज सेल्स विच आर रिजेक्टेड बाय द वेरियस चेक पॉइंट्स ऑफ द सेल साइकिल्स। सेल साइकिल्स के अंदर चेक पॉइंट्स के ड्यूरेशन में वो सेल्स रिजेक्ट हो चुकी हैं, वो सेल्स जी नोट फेज के अंदर चली जाती हैं। दीज सेल्स आर फर्स्ट रिपेयर By this phase and then try to send them back to the cell cycle for undergoing division. वो जो cells यहाँ पर rejected हो गई थी उनको repair किया जाएगा पहले और उसके बाद उनको cell cycle के लिए भेजा जाएगा। अब वो अगर वो capable हैं तो उस durations के अंदर, otherwise उनको cell, वो जो cells से damage हो चुकी थी उनकी death हो जाएगी। After doing all these activities, if still some cells cannot enter the cell cycle for undergoing division, then those cells are being killed by these phases. अगर इस repairing activities के बाद भी वो उन cells cycle के अंदर नहीं जाती हैं, उनका division नहीं complete होता है, तो उन cell cycle, उस cells को kill कर दिया जाएगा G0 phase के through. तो G0 phase को हम mainly quiescent phase बोलते हैं। These cells exit G1 से वो exit कर चुकी हैं, इसीलिए वो G0 phase के अंदर जाती हैं। In G0, a cell is performing its functions without actively preparing to divide. वो सिर्फ उसके अंदर जो डैमेज था या फिर वो rejections किस वजह से हुआ था, उन fractions के ऊपर काम करेगी, उनको अपना complete करेगी, उसके लिए functions करेगी। Mainly जो cells divide करती हैं उसमें अपना role play नहीं करेगी। G0 is a permanent state for some cells, while other may be restart division if they get the right signals. G0 phase कुछ एक सेल्स के लिए परमानेंट है, जैसे हमारी नर्व सेल्स होती हैं उनके लिए वो परमानेंट सेल, जी नोट फेज परमानेंट स्टेट है उनकी। लेकिन कुछ एक सेल्स ऐसी होती हैं जिनके अंदर जो जी नोट फेज है, अगर उसके लिए सिग्नल दिया जाता है उनको, तो वो G1 साइकिल से निकलकर S फेज के अंदर आ जाती है। अदरवाइज मोस्ट ऑफ कुछ एक के लिए वो जी नोट फेज एक परमानेंट स्टेट हो जाती है। अब हम बात करते हैं इंटरफेज की, स्टार्ट करते हैं। इंटरफेज में क्या होता है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है, एस्ट्रल रेजिस फॉर्मेशन हो चुकी होती है, न्यूक्लियस न्यूक्लियोलस प्रेजेंट होता है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है, क्रोमोसोम्स नंबर स्टार्ट हो चुका है
डुप्लीकेट करना, सेल मेम्ब्रेन होती है, ये पूरी सेल एक प्रेजेंट होती है। अब ये इंटरफेस के लिए स्टार्ट हो चुकी है। चेंजेस क्या क्या आते हैं इंटरफेस के अंदर, ये पहले हम जी1 फेज के अंदर देखेंगे। फर्स्ट ग्रोथ फेज होती है सेल साइकिल की, जिसको हम रेस्टिंग स्टेट भी बोलते हैं, ड्यूरिंग विच सम सेल ऑर्गेनेली इंक्रीज इन साइज। जी1 फेज के अंदर सेल का साइज बढ़ेगा, सेल्स रैपिडली सिंथेसाइज करेंगे, अपने आरएनएस को सिंथेसाइज करेगी और प्रोटीन को सिंथेसाइज करेगी। सेंट्रियोल बिगिन टू डुप्लीकेट ड्यूरिंग द लेट जी1 फेज। सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो जाएगा क्योंकि दोनों सेल्स को ही सेंट्रियोल की रिक्वायरमेंट होती है, तो डबल सेट ऑफ सेंट्रियोल फॉर्मेशन स्टार्ट होगी, लेकिन लेट जी1 फेज के अंदर। कि जी1 फेज जब एस1 फेज के अंदर कम एस फेज के अंदर जाने को स्टार्ट होगी, तब जाकर क्या सेंट्रियोल की फॉर्मेशन होती है। तो ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं कि सेंट्रियोल की फॉर्मेशन किस फेज के अंदर होती है, जी1 फेज के अंदर होती है मेनली, और अगर अर्ली जी1 और लेट जी1 में पूछा जाए तो वो लेट जी1 फेज के अंदर स्टार्ट होती है। अब हम बात करते हैं एस फेज की, जिसको सिंथेसिस फेज भी बोलते हैं। डीएनए का सिंथेसिस इसी फेज के अंदर होता है, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज बोला जाता है। डीएनए सिंथेसिस फेज ड्यूरिंग विच द जेनेटिक मटेरियल प्रेजेंट इन द न्यूक्लियस गेट कॉपीड टू द प्रोड्यूस टू आइडेंटिकल सेट ऑफ द क्रोमोसोम्स। ये हमारे पास अगर नॉर्मल क्रोमोसोम्स थे तो डीएनए का डुप्लीकेशन होने के बाद ये इसकी एग्जैक्ट कॉपी जो क्रोमोसोम्स की है वो फॉर्मेशन हो जाती है इन द एस फेज और सिंथेसिस फेज। सेंट्रियोल कंप्लीट देयर डुप्लीकेशन ड्यूरिंग दिस फेज। जो जी1 फेज के अंदर स्टार्ट हुआ था सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन, वो सिंथेसिस एस फेज के अंदर आते आते कंप्लीट हो जाता है। क्वेश्चंस पूछने का अलग तरीका होता है, अगर क्वेश्चंस को ध्यान से देखोगे उसी में आंसर होगा। अगर ये क्वेश्चंस पूछा जाता है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन स्टार्ट किस फेज से होता है, तो आप जी1 फेज को बताओगे। अगर सेंट्रियोल का जो डुप्लीकेशन है वो कंप्लीट किस फेज के अंदर होता है, तो आप उसको एस फेज बताओगे। अगर नॉर्मल पूछा है कि सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन कैसे किस फेज में होता है, तो आप उसको जी1 फेज मार्क करोगे। और डीएनए के लिए आप हमेशा एस फेज होती है, एस फेज के अंदर ही डीएनए का सिंथेसिस होता है, इसीलिए इसको सिंथेसिस फेज भी बोला जाता है। अब बात आती है जी2 फेज की, जिसको सेकेंड गैप फेज बोला जाता है या फिर रेस्टिंग फेज, ड्यूरिंग विच द सिंथेसिस ऑफ आरएनए एंड प्रोटीन फ्रॉम द जी1 फेज कंटिन्यू। आरएनए और प्रोटीन्स का सिंथेसिस जी1 फेज से स्टार्ट हुआ था और जी0 फेज तक वो चलता है। ड्यूरिंग दिस पीरियड सेल्स स्टोर एनर्जी एज एटीपी टू बी यूटिलाइज ड्यूरिंग द माइटोसिस। जो एनर्जी है वो स्टोर की जाती है, जो माइटोसिस के ड्यूरेशन में यूज की जाएगी मेटाफेज एनाफेज के अंदर। एट द एंड ऑफ दिस फेज सेल एंटर द स्टेज ऑफ द माइटोटिक डिवीजन। अब यहां से सारी प्रिपरेशंस कंप्लीट हो चुकी हैं, सेल को जो जो चीजें चाहिए थी वो सब का डिवीजन हो चुका है, एवरीथिंग इज रेडी। अब वो माइटोटिक डिवीजन के लिए एंटर कर जाएंगे। माइटोटिक डिवीजन के अंदर हम पढ़ेंगे प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज और टेलोफेज। ये हमारी एम फेज भी बोलते हैं इसको, और माइटोटिक फेज भी बोलते हैं या माइटोटिक डिवीजन भी बोलते हैं। फर्स्ट वन इज द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। प्रोफेज ऑफ माइटोसिस के अंदर सेंट्रियोल का डुप्लीकेशन हो चुका है, उसके साथ साथ स्पिंडल फाइबर बन रहे हैं, इस तरीके से सेंट्रियोसोम की फॉर्मेशन हो चुकी है, क्रोमोसोम नंबर्स बन चुके हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स जो या न्यूक्लियर एनवेलप्स जो होता है वो ब्रेकडाउन होना स्टार्ट हो चुका है, एक्स शेप के क्रोमोसोम की फॉर्मेशन हो चुकी है। कि जितना नंबर है जो क्रोमोसोम डीएनए का वो डुप्लीकेट हो चुका था, अब वो कम्पैक्ट होकर क्रोमोसोम की फॉर्मेशन करेगा, और वो कॉम्पैक्ट होकर एग्जैक्टली क्रोमोसोम्स जिसमें एक्स शेप्स क्रोमोसोम होती है उनकी फॉर्मेशन कर देता है इन द प्रोफेज ऑफ द माइटोसिस। इट इज द फर्स्ट एंड द लॉन्गेस्ट ऑफ ऑल फेजेस ऑफ द माइटोसिस। प्रोफेज सबसे फर्स्ट फेज होती है माइटोसिस की और सबसे लॉन्गेस्ट भी होती है। प्रोफेज के अंदर क्या क्या होता है, इन द बिगिनिंग इट इज मार्क्ड बाय द अपीयरेंस ऑफ ए थिन थ्रेड लाइक कंडेंस्ड एक्स शेप्ड क्रोमोसोम्स। थ्रेड लाइक अपीयरेंस होगी और एक्स शेप के क्रोमोसोम्स बन चुके होंगे। ईच क्रोमोसोम इज मेड ऑफ टू आइडेंटिकल टू क्वाइल्ड फिलामेंट कॉल्ड द सिस्टर क्रोमेटिड्स, और उन दोनों क्वाइल्ड क्रोमेटिड्स को हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। ये देखो, एक ही क्रोमोसोम के क्रोमेटिड्स हैं तो उनको हम सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलेंगे, अगर दो अलग अलग हैं, दिस वन इज द डिफरेंट एंड दिस वन इज द डिफरेंट, इनको हम नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स बोलते हैं। इसी स्टेज के अंदर
सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं बिकम इंक्रीजिंगली शॉर्टर एंड थिकर। अब उनके अंदर और भी ज्यादा कॉम्पैक्टनेस हो जाएगी कि जितना भी डीएनए है वो उसको शॉर्ट करेगा और वहां पर उसकी थिकनेस इंक्रीज होगी। दैट विल ज्वाइन टुगेदर एट द साइट कॉल्ड द सेंट्रोमियर, और सेंट्रोमियर पर वो डीएनए वो क्रोमेटिड्स बन रहे हैं वो ज्वाइन कर जाएंगे और उसकी वो शॉर्ट होते चले जाएंगे और वो थिक होते चले जाएंगे। टू पेयर ऑफ सेंट्रियोल फॉर्म ड्यूरिंग द इंटरफेस मूव अवे फ्रॉम ईच अदर टू अपोजिट पोल्स ऑफ द सेल। एक दूसरे से क्या हो रही हैं, अपोजिट डायरेक्शंस में जा रही हैं। एक सेंट्रियोल यहाँ पर है, एक सेंट्रियोल यहाँ पर है। अब दोनों क्या है, अपोजिट पोल्स के ऊपर जाएंगे और इन बिटवीन क्या है, स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन होगी। स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स ऑफ द माइक्रोट्यूबुल एंड प्रोटीन बिगिन टू अपीयर एंड ग्रेजुअली एक्सटेंड अक्रॉस द सेल बिटवीन द सेंट्रियोल एज दे मूव टुवर्ड द अपोजिट पोल्स। अब दोनों सेंट्रियोल्स के बीच में स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन हो रही है। स्पिंडल फाइबर की फॉर्मेशन माइक्रोट्यूब्यूल्स और कुछ प्रोटीन्स जो होते हैं वो हेल्प करते हैं। ये दोनों जाएंगे और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ जाएंगे और उनके बीच में क्या होंगे, स्पिंडल फाइबर्स होंगे। ऑन रीचिंग द एंड ऑफ दिस फेज द न्यूक्लियर एनवेलप स्टार्ट टू ब्रेक अपार्ट दस रिलीजिंग द क्रोमोसोम्स। इस फेज के जाते जाते न्यूक्लियर एनवेलप भी क्या है, ब्रेक होना या फिर डिसअपियर होना स्टार्ट हो जाता है और क्रोमोसोम्स वहां से रिलीज हो जाते हैं। न्यूक्लियोलस खत्म हो जाता है इस फेज के अंदर आते ही। द क्रोमोसोम्स बिगिन टू माइग्रेट टुवर्ड द सेंटर ऑफ द सेल मार्किंग द एंड ऑफ प्रोफेज। अभी सभी क्रोमोसोम्स क्या करेंगे, इन बिटवीन प्लेट्स जो फॉर्मेशन होती है बीच में जाएंगे सारे के सारे क्रोमोसोम्स जो होते हैं। ये एक साइन होता है कि प्रोफेज की जो स्टेज है वो कंप्लीट हो चुकी है। मेटाफेज के अंदर आते ही जो क्रोमोसोम्स हैं वो इस प्लेट्स के ऊपर इस तरीके से अलाइन कर जाएंगे। क्रोमोसोम्स अलाइन अलोंग द सेंटर ऑफ द सेल, दिस इज द मेन साइन ऑफ द मेटाफेज ऑफ द माइटोटिक सेल्स। मेटाफेज प्लेट जिसको हम बोलते हैं और ये ऑलवेज सेंटर में होती है और दोनों जो सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं। सेंटर एस्ट्रल फाइबर्स जो होते थे माइक्रोट्यूब्यूल्स के बने हुए जो एस्ट्रल रेजिस थी वो एस्ट्रल रेजिस यहाँ पर इस तरीके से अरेंज हो जाती हैं सेंट्रियोल्स को क्रॉस करते हुए। आगे देखते हैं हम मेटाफेज के अंदर। इट इज द सेकेंड फेज ऑफ द माइटोसिस एंड इज मार्क्ड विद द कंप्लीट डिसअपीयरेंस ऑफ न्यूक्लियर एनवेलप That had started during the prophase. Prophase के अंदर nuclear envelope disappear होना start होता है और metaphase के अंदर आते आते वो complete disappear हो जाता है। Chromosome which are at their shortest and the thickest stage, two sister chromatids get attached to the spindle fiber present at the opposite poles. दोनों जो fibers थे सेंट्रियोल्स थे वो अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं। इन बिटवीन स्पिंडल फाइबर्स की फॉर्मेशन कंप्लीट हो चुकी है। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स को वो ज्वाइन किए हुए होते हैं, दोनों अपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट होते हैं। दे देन अलाइन एंड टू एंड अलोंग द मिडल ऑफ द सेल। ये वो क्या होते हैं, इस तरीके से अरेंज होता है कि दोनों अलग अलग पोल्स के ऊपर प्रेजेंट हैं लेकिन एक दूसरे को यहाँ से क्रॉस किए हुए हैं। स्पिंडल फाइबर्स देन अटैक टू ईच अदर अटैच टू ईच अदर ऑफ द सिस्टर क्रोमेटिड्स। स्पिंडल फाइबर्स एक ही सिस्टर क्रोमेटिड्स के थ्रू दोनों अपोजिट पोल से उसको ज्वाइन किए हुए होते हैं। दिस इक्वल एंड अपोजिट टेंशन कॉज द सिस्टर क्रोमेटिड्स टू अलाइन अलोंग एन इमेजिनरी बट वेरी इंपॉर्टेंट लाइन ट्रेलिंग डाउन द मिडल ऑफ द सेल। ये मिडल में प्रेजेंट होती है इन बिटवीन सेल्स के मेटाफेजिक प्लेट्स और दोनों तरफ से, क्योंकि क्यों प्रेजेंट होती है इक्वल बीच में, क्योंकि दोनों तरफ से इक्वल टेंशंस और अपोजिट टेंशंस प्रेजेंट है। दोनों पोल्स के ऊपर जो माइक्रोट्यूब्यूल्स प्रेजेंट है या सेंट्रियोल्स प्रेजेंट है एस्ट्रल रेजेस के थ्रू वो इक्वल फोर्स एग्जर्ट किए हुए हैं, इसलिए जो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो सेल के बिल्कुल मेटाफेजिक प्लेट जो होती है इन बिटवीन प्रेजेंट होती है। This imaginary line divide the cell down the middle is called the metaphasic plate or equatorial plate. इस imaginary line को जो हमने मानी है कि शायद वो in between है उसको ही हम metaphasic plate या फिर equatorial plane बोलते हैं। Metaphasic checkpoints ensure that the kinetochore are properly attached to the mitotic spindles and that the sister chromatids are evenly distributed and align across the metaphasic plate. यहाँ पर कुछ चेक पॉइंट्स होते हैं, वो ये चेक करते हैं कि जो क्रोमोसोम्स यहाँ पर प्रेजेंट हैं उनके अंदर जो काइनेटोकोर्स है वो एस्ट्रल फाइबर्स एस्ट्रल रेजिस के थ्रू कम्प्लीटली डिवाइडेड है या नहीं है, अच्छे से वो डिस्ट्रीब्यूटेड हैं या नहीं है, उनके बाद ही मेटाफेज को
एनाफेज के अंदर ट्रांसफर किया जाता है। ये होते हैं चेक पॉइंट्स जो इंश्योर करते हैं कि यहाँ तक का प्रोसेस कंप्लीट है और एक्यूरेटली कंप्लीट हुआ है या नहीं हुआ है। अब बात आती है एनाफेज की। एनाफेज के अंदर क्या होता है कि सेपरेशन हो चुका होता है डॉटर क्रोमेटिड्स का, क्रोमोसोम्स का, जो मेटाफेजिक प्लेट्स के ऊपर प्रेजेंट थे, अब वो दोनों के दोनों अलग अलग पोल्स की तरफ आ रहे हैं ड्यू टू द टेंशन ऑफ द एस्ट्रल रिजिस विच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सेंट्रियोल्स विच आर प्रेजेंट इन द अपोजिट पोल्स ऑफ एवरी सेल्स इन द माइटोटिक साइकिल। एनाफेज के अंदर अब क्या होगा कि स्प्लिटिंग ऑफ ईच पेयर ऑफ क्रोमोसोम्स इनटू द टू सिस्टर क्रोमेटिड्स दैट आर नोन एज द डॉटर क्रोमोसोम्स। दो सिस्टर क्रोमेटिड्स के अंदर वो टूट जाएंगे और दोनों अपोजिट पोल्स के ऊपर चले जाएंगे। डॉटर क्रोमोसोम्स आर पुल्ड टुवर्ड द अपोजिट एंड ऑफ द सेल ड्यू टू द कॉन्ट्रैक्शंस ऑफ द स्पिंडल फाइबर्स। अब स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट कर रहे हैं, उसको अपनी तरफ खींच रहे हैं और दोनों अपोजिट पोल्स की तरफ चले जाएंगे। At the end of this phase, each pole contains a complete set of chromosomes. इस end phase के end होते-होते दोनों ही cells के poles के ऊपर जो cells के अंदर chromosomes थे उनका exactly number है, जो complete set होता है वो पहुंच जाएगा। अब बात आती है telophase of the mitosis. Telophase के अंदर क्या है कि complete set of chromosomes जा चुके हैं दोनों ends के ऊपर, centriole का duplication हो चुका है। न्यूक्लियर एनवेलप अब रीअपियर होना स्टार्ट हो जाएगा, जो भी क्रोमोसोम्स थे न्यूक्लियोप्लाज्म था उसको अब कवर करके न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट हो जाएगी और साइटोप्लाज्मा डिवाइड करना स्टार्ट करेगा टेलोफेज के अंदर। लास्ट रिकॉग्नाइज्ड फेज ऑफ द माइटोसिस मार्क बाय द एंड ऑफ द डॉटर क्रोमोसोम्स माइग्रेशन टू द अपोजिट पोल्स। जब डॉटर क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं इसका मतलब वो टेलोफेज है उस सेल का। न्यूक्लियर एनवेलप रीडेवलप करेगा क्रोमोसोम्स के साथ टू फॉर्म द डॉटर न्यूक्लियाई, डॉटर न्यूक्लियाई की कंप्लीट फॉर्मेशन के लिए। माइटोटिक अपैरेटस डिसअपीयर विद ए रिडक्शन इन द विस्कोसिटी ऑफ द साइटोप्लाज्मा फॉलोड बाय द सिंथेसिस ऑफ आरएनए। अब माइटोटिक अपैरेटस जो था वो डिसअपियर हो जाएगा क्योंकि अब जो साइटोप्लाज्मा है उसकी विस्कोसिटी कम हो चुकी है, आरएनए की सिंथेसिस अब स्टार्ट होगी। न्यूक्लियस रीअपियर हो जाएगा जो प्रोफेज के अंदर डिसअपियर हो चुका था विद द क्रोमोसोम्स बिकम स्लेंडर्ड एंड एक्सटेंडेड। ये सब कुछ है जो टेलोफेज के स्टेज के अंदर होगा। उसके बाद साइटोकाइनेसिस। This is the process where the cytoplasma get divided to produce two independent daughter cells, each containing a complete set of chromosomes. Cytokinesis के अंदर cytoplasma का division होगा और दोनों cells के पास कहीं को number of chromosomes का set present होता है, उसके बाद ही cytoplasma divide करता है। Cytokinesis begin at the anaphase stage and continue through the telophase and into the interphase. साइटोकाइनेसिस जो है वो एनाफेज से स्टार्ट हो जाता है लेकिन ज्यादा वो टेलोफेज के अंदर देखा जाता है और उसके बाद वो दोबारा सेल्स इंटरफेज में चली जाती है। इन द एंड माइटोसिस रिजल्ट इन द टू आइडेंटिकल जेनेटिकली आइडेंटिकल डॉटर सेल्स विद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। माइटोसिस के बाद दो सेल्स की फॉर्मेशन होंगी और दोनों के बाद डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होगा और जेनेटिकली आइडेंटिकल होती हैं दोनों डॉटर सेल्स। साइटोकाइनेसिस से जो फाइनल स्टेप होता है सेल डिवीजन के अंदर, चाहे वो प्रोकैरियोट की सेल है चाहे वो यूकैरियोट की है, मोस्ट ऑफ केसेस ये जो माइटोसिस का प्रोसेस होता है ये यूकैरियोटिक सेल्स और प्रोकैरियोटिक सेल दोनों के अंदर होता है। वेयर द पेरेंट सेल्स साइटोप्लाज्मा डिवाइड टू फॉर्म द टू डॉटर सेल्स। दो डॉटर सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है इसके बाद। इट ऑकर इन द टैंडम विद टू टाइप्स ऑफ न्यूक्लियर डिवीजन माइटोसिस एंड मियोसिस। न्यूक्लियर डिवीजन हमने देख पता है कि माइटोसिस और मियोसिस दोनों में होता है। माइटोसिस में एक्जैक्टली नंबर है जो वो सेम रहता है, जैसे यहाँ पर डिप्लॉयड सेल के अंदर डिप्लॉयड ही डॉटर सेल्स बनती हैं, लेकिन मियोसिस के अंदर डिप्लॉयड पेरेंट सेल्स से हैप्लॉयड जो डॉटर सेल्स हैं उनकी फॉर्मेशन होती है क्योंकि वहाँ पर न्यूक्लियर डिवीजन हाफ हो जाता है, क्रोमोसोम नंबर हाफ हो जाता है। The primary purpose of the cytokinesis is to ensure that one nucleus end up in the each daughter cells after division. Cytokinesis का main function ये होता है कि दोनों daughter cells के पास एक nucleus पहुंच जाए, end up हो जाए उसका। The process can be symmetrical, whereas the daughter cells get an equal
share of the mother cell cytoplasm or asymmetrical when the cytoplasm is divided unequally. ये cytokinesis है वो symmetrical way में भी हो सकता है और asymmetrical way. अगर symmetrical है तो दोनों daughter cells के पास equal अमाउंट है जो साइटोप्लाज्मा का हो जाएगा, और अगर एसिमेट्रिकल है तो साइटोप्लाज्मा का अमाउंट अनइक्वल जाता है. द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस इन मेल इज सिमेट्रिकल, मिलियंस ऑफ स्पर्म्स आर प्रोड्यूस्ड देयर, ऑल आर इक्वल इन द साइज. ये सब कुछ है जो वो स्पर्मेटोजेनेसिस के अंदर सिमेट्रिकल वे से साइटोकिनेसिस कंप्लीट होता है, बट ओजेनेसिस के अंदर फीमेल्स के अंदर ये एसिमेट्रिकल होता है. वन लार्ज सेल प्रोड्यूस होती है मोर, जिसके अंदर हमारा मदर सेल का साइटोप्लाज्मा ज्यादा होता है, और उसके साथ ही थ्री स्पॉन्स सेल प्रोड्यूस होती हैं जिनको हम कलर बॉडीज बोलते हैं, और उनके अंदर साइटोप्लाज्मा का अमाउंट है जो वो कंपैरिजनली कम होता है. साइटोकाइनेसिस इन यूकैरियोट्स हार्डली रिजेंबल द प्रोकैरियोटिक प्रोसेस ऑफ द बाइनरी फ्यूजन इन मैनी वेज. साइटोकाइनेसिस जो यूकैरियोट्स के अंदर होता है, प्रोकैरियोट्स में जो बाइनरी फ्यूजन होता है उसके साथ इसको रिजेंबल किया जाता है कि शायद वैसा ही है. However, the exact mechanism differ due to their cell structure and the functions. But binary fission is the different thing and the mitosis or cytokinesis is the different thing in the eukaryotes. अब बात करते हैं हम cytokinesis की animal cell और plant cell के अंदर. जब animal cell के अंदर cytokinesis हो रहा होता है तो वहाँ पर cleavage furo बनती है. ये cleavage furo microfilaments के contractile ring होती है, और उसके बाद दो अलग अलग daughter cells के अंदर वो convert हो जाती है. प्लांट सेल की अगर हम बात करते हैं तो वेसिकल्स से एक सेल प्लेट की फॉर्मेशन होती है, दो अलग अलग न्यूक्लियस होते हैं और ये इसको हम बोलते हैं सेल प्लेट. और ये सेल प्लेट है जो वो इन दो सेल, एक सेल को दो सेल के अंदर कंप्लीट कर देती है, और इस सेल प्लेट में बाद में सेल वॉल बन जाती है, दैट इज द न्यू सेल वॉल इन बिटवीन द टू सेल्स. और इसी थ्रू क्या है, प्लांट सेल के अंदर डिविजन कंप्लीट होता है. वट happen during the cytokinesis. The process of cytokinesis is quite different within the eukaryotes. Eukaryotes में cytokinesis different होता है comparison to the prokaryotes, क्योंकि animal cell और plant cell होती हैं दो अलग अलग. eukaryotes के अंदर अगर हम animal cell की बात करते हैं तो cleavage furo की formation होगी, और plant cell की बात करते हैं तो हम वहाँ पर cell plate की formation होती है. फोर प्राइमरी स्टेजेस ऑफ साइटोकाइनेसिस, इनिशिएशन होगा, फिर कॉन्ट्रैक्शन होगा, मेम्ब्रेन इंसर्शन होगा, और कंप्लीशन हो जाएगा साइटोकाइनेसिस का. द मैकेनिज्म अकरिंग विद इन दिस स्टेजेस डिफर इन द एनिमल एंड द प्लांट सेल. इट इज कंप्लीट विद द फॉर्मेशन ऑफ टू डॉटर सेल्स. ये हमने बता दिया है कि प्लांट सेल और एनिमल सेल के अंदर कैसे होता है. प्लांट सेल में और एनिमल सेल में डिफरेंस क्यों होता है साइटोकाइनेसिस में, वो बताते हैं. ड्यू टू द लैक ऑफ सेल वॉल, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल्स बिगिन इन द एनाफेज एंड टर्मिनेट इन द टेलोफेज. सेल वॉल एनिमल सेल में प्रेजेंट नहीं होती है, तो एनाफेज में ही, और लेट एनाफेज और अर्ली टेलोफेज के अंदर ही साइटोकाइनेसिस स्टार्ट हो जाता है. ए कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग विद द एक्टिन फिलामेंट्स जस्ट बीनीथ द सेल मेम्ब्रेन अराउंड द सेंटर ऑफ सेल, वो क्या है, फॉर्मेशन होती है. एक कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग की फॉर्मेशन होती है, किससे मिलकर बनते हैं वो, एक्टिन फिलामेंट्स से, जिनको हम माइक्रोफिलामेंट्स भी बोलते हैं. एक्टिन फिलामेंट्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेंगे, डीप कर जाएंगे पारी-पारी से सेंटर की तरफ, और एक फिशर और एक क्लीवेज फ्यूरो की फॉर्मेशन होगी, जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी बोलते हैं. कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग कंटिन्यू टू द कॉन्ट्रैक्ट टिल द टू डॉटर सेल्स आर सेपरेटेड बाय द मिड बॉडी इन नैरोड रीजन ऑफ द साइटोप्लाज्मा कनेक्टिंग द टू डॉटर सेल्स. अब ये कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग क्या है, डॉटर सेल्स को अलग अलग कर देगी, धीरे धीरे करके बड़ा हो जाएगा ये एक्टिन फिलामेंट्स का सेल फ्यूरो, और दोनों सेल्स क्या है, इन बिटवीन मिडवे से, बीच में से दोनों क्या है, अलग हो जाएंगे. व्हेन द फ्यूरो मीट्स टू द सेंटर द सेल्स बिकम कंप्लीटली पिंच्ड ऑफ. और जब ये फ्यूरो जो है सेल के सेंटर में जाकर मिलेगा तो वो दोनों सेल्स क्या बिल्कुल एक दूसरे से अलग हो जाएंगी, फॉर्मिंग टू डॉटर सेल्स बाउंड बाय द इट्स सेल मेम्ब्रेन. और वो दोनों सेल्स जो अलग हुई हैं वो अपनी एक सेल मेम्ब्रेन के साथ उसको कवर कर चुकी होंगी. एज द सेपरेशन स्टार्ट आउटसाइड एंड मूव टुवर्ड द सेल सेंटर, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेंट्रिपिटल साइटोकाइनेसिस. ये आउटसाइड से स्टार्ट होता है और अंदर की तरफ आकर साइटोकाइनेसिस कंप्लीट होता है, तो इसीलिए इसको सेंट्रिपिटल साइटोकाइनेसिस कहते हैं. साइटोकाइनेसिस एनिमल सेल्स के अंदर होता है सेल फ्यूरोज के थ्रू. ये देखो
आफ्टर एनाफेज माइक्रोफिलामेंट्स फॉर्म अराउंड सेंटर ऑफ द सेल। इस तरीके से क्या है, फॉर्मेशन कर चुके कर लेंगे और ये फिर धीरे धीरे करके माइक्रोफिलामेंट्स क्या करेंगे, क्लेवियस फ्यूरो बनाएंगे, कॉन्स्ट्रिक्ट करते चले जाएंगे और जब ये बिल्कुल बीच में मिल जाएंगे, यहाँ पर पॉइंट से मिल जाएंगे, तो दोनों सेल क्या है, अलग हो जाएंगे कम्प्लीटली, पिंच ऑफ बाय द माइक्रोफिलामेंट्स एंड टू सेल फॉर्म, और ये सेल्स एक दूसरे से बिल्कुल अलग होकर सेल मेम्ब्रेन को कवर कर चुकी होंगी। प्लांट सेल के अंदर क्या बनेगा, एनाफेज के थ्रू ही कार्बोहाइड्रेट रिच वेसिकल्स की फॉर्मेशन होती है इन बिटवीन द सेल सेंटर में। वेसिकल्स फ्यूज करेंगे और सेल प्लेट की फॉर्मेशन हो जाएगी और उसके बाद ये सेल प्लेट दोनों, इसके बाद ये दोनों जो न्यूक्लियस हैं वो अलग हो जाएंगे और दो अलग अलग सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है प्लांट्स के अंदर। अगर हम इसकी थ्योरी देखते हैं कैसे है, सिंस ए प्लांट सेल कंटेन शेल वॉल वहां पर प्रेजेंट होते हैं तो साइटोकाइनेसिस इंटरफेज से ही स्टार्ट हो जाता है और टेलोफेज में टर्मिनेट होता है। होता कैसे है कि जो सेल्स के अंदर गोल्जी अपैरेटस होते हैं उनके अंदर बहुत सारे एंजाइम्स और प्रोटीन्स प्रेजेंट होते हैं, तो ग्लूकोज होती है बिफोर ब्रेकिंग इनटू द वेसिकल्स एंड डिस्पर्सिंग थ्रू आउट द सेल। ये गोल्जी बॉडीज क्या करती हैं, इन बिटवीन द सेल बीच में यहाँ पर प्रेजेंट हो जाती हैं और उन छोटी छोटी सी वेसिकल्स की फॉर्मेशन कर लेती हैं। गोल्जी वेसिकल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू द मेटाफेज प्लेट ड्यूरिंग टेलोफेज फॉर्मिंग ए वेसिकल स्ट्रक्चर कॉल्ड द फ्रैगमोप्लास्ट। ये गोल्जी वेसिकल्स जो वहां पर इन बिटवीन प्रेजेंट होती हैं, फॉर्मेशन इनकी मेटाफेजिक प्लेट, जहां पर मेटाफेज की प्लेट्स का मतलब है कि वो जो क्रोमोसोम्स वहां पर अरेंज हुए थे मेटाफेज के अंदर, वो उस प्लेट्स के ऊपर या फिर उस लोकेशंस के ऊपर वो चले जाते हैं और फ्यूज करके एक फ्रैगमोप्लास्ट की फॉर्मेशन करते हैं। वेसिकल्स फ्यूज एंड बिगिन टू फॉर्म ए स्ट्रक्चर कॉल्ड द सेल प्लेट, और वो फ्यूज होने के बाद उनको हम नया नाम दे देते हैं, दैट इज द सेल प्लेट। सेल प्लेट एक्सटेंड आउटवर्ड, अब वो इन बिटवीन से बाहर की तरफ जाएगी, बीच में फ्यूज हुआ था और बाहर की तरफ जाएगी, बाहर की तरफ मतलब वो सेल वॉल की तरफ जाएगी, उसके साथ फ्यूज हो जाएगी और डिवाइड कर देगी सेल्स को टू डॉटर न्यू डॉटर सेल्स के अंदर, एंड ईच बाउंड बाय इट्स सेल मेम्ब्रेन, और दोनों के ऊपर फिर क्या है, सेल मेम्ब्रेन कवर कर लेगी। एज द सेपरेशन स्टार्ट इन द सेंटर एंड मूव्स लेटरली टुवर्ड द आउटसाइड, साइटोकाइनेसिस इन एनिमल सेल इज कॉल्ड द सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस। जो प्लांट्स एनिमल सेल के अंदर हमने देखी थी, दैट इज द सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस, बिकॉज ये क्या है, आउटसाइड से स्टार्ट होती है और अंदर की तरफ आती है, टुवर्ड द सेंटर आती है। लेकिन अगर हम प्लांट्स की बात करते हैं तो ये क्या है, सेंटर से चलेगी और टुवर्ड द पेरिफेरी जाएगी, दैट मीन्स ये सेंट्रीफ्यूगल साइटोकाइनेसिस होती है। माइटोसिस के क्या पर्पज होते हैं, सेल डिवीजन कंप्लीट होता है, रिप्रोडक्शन में हेल्प करता है, ग्रोथ में हेल्प करता है किसी सेल के, रिपेयरिंग और रिजनरेशन में हेल्प करता है, न्यू सेल्स की फॉर्मेशन होती है, डेड और डैमेज सेल को कंप्लीट करता है, पॉपुलेशन सेल की पॉपुलेशन को कंप्लीट करके रखता है, सेम क्रोमोसोम नंबर का जो काउंट है वो मेंटेन करके रखता है जनरेशन आफ्टर जनरेशन, नंबर इंक्रीजिंग द नंबर ऑफ सेल्स इन द हायर ऑर्गेनिजम्स ड्यू टू द स्पेशलाइजेशन, के लिए नंबर है जो सेल का वो इंक्रीज किया जाता है थ्रू द माइटोसिस प्रोसेस, प्रॉपर बैलेंस होता है डीएनए और आरएनए का, मेंटेनिंग द डिजायर्ड रेशियोस बिटवीन द सेल्स न्यूक्लियर एंड द साइटोप्लाज्मिक कंटेंट, इक्वल अमाउंट ऑफ साइटोप्लाज्म और इक्वल अमाउंट ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है या फिर डीएनए जो होता है वो सेपरेट आउट होता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ ए माइटोसिस। ये एक आपका ओवरव्यू है, प्रोफेज के अंदर क्रोमोसोम कंडेंस होंगे, वेसिकल की फॉर्मेशन होगी, स्पिंडल फाइबर फॉर्म्स हो जाएंगे, सेंट्रोमियर डबल कर जाएगा, न्यूक्लियर एनवेलप ब्रेक डाउन करेगा, न्यूक्लियोलस डिसअपियर हो जाएंगे, ये पूरी माइटोसिस की समरी है। अब हम प्रो मेटाफेज की बात करते हैं, तो क्रोमोसोम्स कंडेंस होने स्टार्ट हो चुके हैं, काइनेटोकोर अपीयर हो चुका है सेंट्रोमियर के साथ, माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स जो है माइक्रोट्यूब्यूल्स के साथ काइनेटोकोर के साथ अटैच कर चुके हैं, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं। मेटाफेज के अंदर माइटोटिक स्पिंडल फाइबर कंप्लीटली फॉर्म हो चुके हैं, सेंट्रोसोम्स जो होते हैं अपोजिट पोल्स पर पहुंच चुके हैं, क्रोमोसोम्स से मेटाफेज प्लेट पर आ चुके हैं, ईच स्पिंडल क्रोमेटिड्स हैं जो वो स्पिंडल फाइबर्स के साथ अटैच कर चुके हैं और दोनों अपोजिट पोल्स पर प्रेजेंट हैं। एनाफेज की अगर हम बात करते हैं तो कोहेशन प्रोटीन्स जो होता है सिस्टर क्रोमेटिड्स के पास, वो क्रोमेटिड्स टुगेदर ब्रेक डाउन, वो उसको ब्रेक डाउन कर देगा और जो क्रोमोसोम्स हैं वो टुवर्ड द एंड्स या फिर टुवर्ड्स द पोल्स क्या हैं वो मुकरना स्टार्ट कर देंगे, सिस्टर क्रोमेटिड्स आर पुल्ड टुवर्ड द अपोजिट पोल्स, नॉन काइनेटोकोर स्पिंडल फाइबर्स लेंथन्स इलोंगेटेड द सेल्स,
नॉन काइनेटोकोर जो स्पिंडल फाइबर्स वहां पर प्रेजेंट होते हैं वो सेल को सिर्फ इलोंगेट करने का काम करते हैं। टेलोफेज की बात करते हैं तो क्रोमोसोम्स जो होते हैं वो अपोजिट पोल पर पहुंच चुके होते हैं और अब कंडेंस होना स्टार्ट हो चुके हैं। न्यूक्लियर मटेरियल जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स के थ्रू सराउंड किया जा चुका है। माइटोटिक स्पिंडल फाइबर्स ब्रेक डाउन हो जाते हैं। साइटोकाइनेसिस के अंदर एनिमल सेल के अंदर सेल फ्यूरो की फॉर्मेशन होती है जिसके थ्रू डॉटर सेल्स के अंदर वो टूट जाती हैं, एक सेल टू डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। प्लांट सेल्स की अगर हम बात करते हैं तो वो सेल प्लेट की फॉर्मेशन होगी वहां पर और वो दो अलग अलग डॉटर सेल्स के अंदर कन्वर्ट कर जाएगा। दिस इज द समरी ऑफ द फुल माइटोसिस स्टेजेस। थैंक यू स्टूडेंट्स, माइटोसिस में इतना ही था। किसी का कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में बता देना। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। थैंक यू अगेन।